कि मार्च महीना जो है थोड़ा सा हिलने वाला है, गर्मी का इसमें एहसास हो सकता है, ठीक है। तो ये जो गर्मी है ना, ये अपॉर्चुनिटी है, इसका फायदा उठाना, डरना मत। हेलो फ्रेंड, मैं जिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज की सेशन के अंदर फटाफट मार्केट का जायजा लेंगे, क्योंकि मार्केट में है हल्की फुल्की गिरावट। अब बहुत सारे लोगों के लिए ये है कि भैया मार्च मंथ में बहुत तूफान आने वाला है, ये आने वाला है, वो आने वाला है, बट मेरे हिसाब से तो मार्च महीने के अंदर अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो मार्च महीने में कितनी गर्मी होती है, और ये गर्मी क्रिप्टो मार्केट की गर्मी कह रहा हूँ, वो भी हम आगे देख लेंगे, और क्या ये गर्मी हमारे लिए बढ़िया रहेगी कि नहीं रहेगी, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। लेकिन इस सेशन को स्टार्ट करूँ उससे पहले ये कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक देना, क्योंकि वापस से हमेशा की तरह इस सेशन के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, और ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हद तक मार्केट में मदद करेगी, मार्केट के मूव को पहचानने के लिए, एक अच्छे ट्रेड लेने के लिए, इनफैक्ट आपको स्टॉक मार्केट में मदद करेगी, फॉरेक्स में भी मदद करेगी, और इनफैक्ट पूरे ग्लोबल मार्केट को भी जानने में आपकी मदद करेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक दो, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ऑल पे, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती हैं वो आप लोग से मिस ना हो। तो ज़्यादा वक्त लेंगे, फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कि सब कुछ लाल निशान के अंदर है, लेकिन XRP खड़ा है, ठीक है, कि भैया हम तो बस अभी खड़े हैं, हमारी तो शुरुआत ही नहीं हुई है, पर XRP चल रहा है लगभग 45 सेंट के आसपास चल रहा है, मजबूती दिखा रहा है इस गिरते मार्केट के अंदर, ओके। और BTC की हम बात करते हैं, लगभग 47,262 के आसपास है, और फिर कह सकते हैं कि वापस से भैया ये 52,000 को नहीं तोड़ पाया, 50,000 पे रुकने की कोशिश की। थोड़ा सा एक अंदर पॉजिटिविटी ये थी कि भाई 49,50 पे आसपास टिका है तो अच्छी बात है, लेकिन वापस से इसके अंदर गिरावट आ रही है, और लगभग कह सकते हैं कि 4% के आसपास में गिरावट है। डॉट जो है 32 के आसपास चल रहा है, BNB 223 के आसपास, लमसम 219 के आसपास आया था, मैं वापस से कह रहा हूँ 190 और 200 के आसपास, थोड़ा सा इस पर सावधान रहना, मतलब कि इसको पकड़ने की कोशिश करना। इथेरियम की बात करते हैं तो लगभग 1469 के आसपास है, कार्डानो 1.13 के आसपास है, ठीक ठाक लेवल है, और वापस से कह रहा हूँ 1 के आसपास आया तो इसको उठा लेना, अच्छा खासा आपको आगे इसमें प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। लाइटकॉइन 174 के आसपास चल रहा है, तो हम ज़्यादा इसके ऊपर अभी कुछ देखेंगे नहीं, क्योंकि ओवरऑल जो है थोड़ा सा मार्केट एक बेरिश मोड के अंदर है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को कहा था कि जो ओपन इंटरेस्ट है इन BTC फ्यूचर्स वो काफ़ी पीक पे है, ओके, लगभग $16 बिलियन के आसपास, और वहाँ से थोड़ा बहुत जब भी पीक पे आता है तो मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट आती है। हमारे लिए अच्छी है कि भाई 45 के आसपास आ जाए, 40 के आसपास आ जाए, 38 के आसपास आ जाए, भाई हम तो यही उम्मीद करते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट में तभी मज़ा आएगा जब बड़े मछलियों के साथ मैदान के अंदर छोटी छोटी मछलियां भी हो, ठीक है। सिर्फ एलन मस्क बाय करके बैठेगा, माइक्रो स्ट्रेटेजी बाय करके बैठेगा तो क्या होगा, छोटे खिलाड़ी भी होने चाहिए ना, उनके हाथ पे भी तो थोड़ा बहुत कुछ होना चाहिए। तो वही हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा प्राइस नीचे आए, और आप और हम सबको वापस एक मौका मिलना बनता है कि हम भी थोड़ा बहुत इसको ग्रैब कर सकें। अब थोड़ी सी मार्केट के ऊपर हम चर्चा करते हैं। मैं यहाँ पे टेस्ला को भी पकड़ने वाला हूँ, माइक्रो स्ट्रेटेजी को भी पकड़ने वाला हूँ कि इनका क्या खेल हो सकता है आगे, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहने की बात है। और वापस से अगर मैं वीडियो के अंदर कहता हूँ कि थोड़ा सा चौकन्ना होने की बात है, या थोड़ा सा मार्केट में गड़बड़ी हो सकती है, या कुछ BTC फिसल सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम वेरी बेरिश ऑन BTC या BTC खराब है। मेरा कहने का मकसद ये रहेगा कि BTC जो है एक अच्छा मौका दे सकता है, फ्यूचर बढ़िया है लेकिन मौका अच्छा दे सकता है, हाई पे बाई करके कोई फायदा नहीं है, ओके। जो चीज़ सही दिख रही है वही आपको बताऊंगा, ज़बरदस्ती नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे छक्का लगने वाला है, वहाँ पे वो लगने वाला है। जो चीज़ अगर गड़बड़ वाली लग रही है तो ऑफकोर्स आपको सचेत करूँगा, मेरा ये काम है, इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं तो बहुत सोच समझ के मुझे बातें बतानी पड़ती हैं कि आप कहीं गलत कदम ना उठा लो, ठीक है। जहाँ गड़बड़ लगेगी मैं बताऊँगा कि ये चीज़ गड़बड़ है, इसको आपको ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं यूएस डॉलर इंडेक्स देखता हूँ चार्ट, ये 4 आवर का चार्ट है, और आप देख सकते हो कि इसके अंदर ज़बरदस्त उछाल आई है, ओके। कितना चल रहा है ये, 91.3 लमसम 92 के आसपास कह सकते हैं, और मैंने आपको कहा था कि 93 पे इसको एक सपोर्ट मिलेगा। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम करता हूँ तो आपको एक आइडिया मिलेगा, वन डे पे चलते हैं, ओके। अब ये है वन डे का चार्ट, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है, और ये याद रखो आज से
कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो क्रिप्टो में, फॉरेक्स में या स्टॉक मार्केट में, यूएस डॉलर इंडेक्स जो है इसको भी साइड में रखो, बहुत आपको मदद करेगा। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड आप देखो डॉलर इंडेक्स का चार्ट है और राइट साइड बीटीसी का चार्ट है। इसका कोरिलेशन भी बहुत ज़बरदस्त है, मैं आपको समझाता हूँ अभी। यहाँ पे आप देखो किसने टॉप बनाया था, लमसम डॉलर ने 20 या 19 मार्च के आसपास टॉप मारा था यहाँ पे, ओके। उसके बाद से नीचे नीचे आया, और यहाँ पे आप देखो लमसम 14 मार्च या आप कह सकते हैं कि 20 मार्च से क्रिप्टो की प्राइस में अच्छा खासा उछाल आया, ओके। तो जब डॉलर इंडेक्स नीचे होता है बीटीसी ऊपर भागता है, जब डॉलर इंडेक्स ऊपर भागेगा तो बीटीसी की प्राइस नीचे आएगी, ओके। अब यहाँ पे जो है ये एक अहम सपोर्ट के आसपास है, ये जो लेवल है ये एक अहम सपोर्ट के आसपास है डॉलर इंडेक्स। अगर यहाँ से गिर के प्राइस वापस ऊपर आता है, मजबूती दिखाता है, तो ऑफकोर्स बाकी के जो मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट है, ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स की बात करते हैं, गोल्ड की बात करते हैं, उन सब के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है थोड़ी बहुत, ओके। और इनफैक्ट वो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इसके अंदर गिरावट हो रही है। अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बीटीसी के वीकली चार्ट पे लेके आता हूँ, और बहुत सिंपल सा चार्ट है और इसको मैंने लॉग स्केल के अंदर ड्रॉ किया है। ऊपर एक लाइन ड्रॉ की है, नीचे लाइन ड्रॉ की है, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जब जब इसने ऊपर के यहाँ पे टॉप पे हिट किया है, थोड़ा सा प्राइस नीचे रिट्रेस आया है, फिर यहाँ पे इसने हिट किया प्राइस नीचे आया है, और राइट नाउ वापस एक यहाँ पे ये हिट कर रहा है इस कर्व के आसपास। तो क्या यहाँ से प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है? ऑफकोर्स हमारी उम्मीद यही है कि प्राइस जो है वो ऑफकोर्स ऊपर की तरफ जाएगा, बट मार्च महीने की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे सबका ये कहना है कि थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि पिछले 8, 9, 10 साल का जो रिकॉर्ड देखा है तो शायद 2015 या कुछ 2017 को छोड़ के मार्च महीना जो था मेरे ख्याल से सब में लाल निशान थे, ओके। तो क्या यहाँ से गिरावट हो सकती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे हिसाब से ऊपर को हिट किया तो थोड़ा बहुत प्राइस नीचे ट्रेस करेगा तो हमारे लिए चीज़ें बेहतर होंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, वो है कि यूएस का 10 ईयर का यील्ड बॉन्ड, ओके, इसके अंदर भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है, और ये एग्जैक्टली क्या है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। देखिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स एग्जैक्टली क्या होता है कि वो समझिए कि एक तरह का फिक्स डिपॉजिट टाइप रहता है जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह पहले बाय करते थे या बैंक्स बाय करते थे, और उसके बाद अब जो रूल्स आए नए रूल्स, उसमें जो इंडिविजुअल है जिसका पैन कार्ड है वो भी उसको बाय कर सकता है, ओके। अब गवर्नमेंट ये बॉन्ड्स बेचती है, उनको पैसा मिलता है, उस पैसे को वो यूज़ करते हैं जब भी कुछ क्राइसिस वगैरह आती है या कुछ ऐसी स्थिति खराब होती है तो उसको मजबूत करने के लिए वो पैसा को यूज़ करती है, ओके। या इकोनॉमी को सुधारने के लिए, अगर सपोज़ कि इकोनॉमी बहुत ख़राब है, पैसा ही नहीं है, तो गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स बेचती है अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट वगैरह दे के करती है, ओके। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सा चीज़ है, ये यूएस का बॉन्ड चार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जब भी इस बॉन्ड के अंदर तेजी आती है, ओके, तो इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कम हो जाता है। अब आप सोचो कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, तेजी आती है, ये कैसे क्या है, और इससे इकोनॉमी को किस हिसाब से खतरा है और किस हिसाब से बताता है कि ग्लोबल मार्केट्स में इम्पैक्ट आएगा नहीं आएगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है फिर भी कोशिश करना। देखिए मैं हूँ, मैंने गवर्नमेंट से बॉन्ड बाय किया 10 साल का, ओके, और उस बॉन्ड की फेस वैल्यू थी 100 रुपये, मैंने बाय किया, और मुझे जो एक कूपन दिया गया कि हर साल आपको 7% इसके ऊपर पैसा मिलता रहेगा, मैंने बोला अच्छी बात है, मैंने बाय कर लिया, ओके। अब बॉन्ड्स जो होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड जो होते हैं, वो जैसे हम स्टॉक मार्केट में इक्विटीज़ वगैरह ट्रेड करते हैं उसी हिसाब से इसको भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज़ कीजिए मैंने किसी और को ये बॉन्ड बेचा, ट्रेड किया, ओके, और उस समय सपोज़ कीजिए जो प्राइस है, फेस वैल्यू है, वो 100 रुपये से घट के नीचे हो गए, 80 रुपये के आसपास हो गए, तो 80 रुपये के हिसाब से क्या हो जाएगा, तो यील्ड वैल्यू जो है, ओके, यील्ड वैल्यू मतलब कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, 7% का था तो 7 डिवाइडेड बाय अभी जो प्राइस है 80 रुपये इंटू 100, तो नया जो रेट निकल के आता है वो होता है 8.75, ओके। तो पहले गवर्नमेंट पे कर रही थी 7% के आसपास, अब पे करना पड़ेगा उसको 8.75 के रेट से पे करना पड़ेगा, तो जिसने नया बाय किया है, ओके, 80 रुपये के हिसाब से, तो उसको 8.7 के हिसाब से पे करना पड़ेगा, तो ज़्यादा पे कर रही है, ओके।
तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि भाई अगर जब ये यील्ड कर्व जो है ये प्राइस नीचे नीचे आता है, तो जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको चिंता होने लगती है कि भाई नीचे आ रहा है प्राइस, ओके, इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा होते जा रहा है, तो क्या ये गवर्नमेंट वो पैसा पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, या एक ये आने वाले क्राइसिस का वो कुछ वो है, तो इस हिसाब से वो बॉन्ड्स बेचते भी हैं। ठीक है, चलो खाली करो खाली करो, मार्केट नीचे आ रहा है, ओके। तो ये स्थिति होती है। अब गवर्नमेंट की जो एक रूल्स है, ठीक है, अब ये जो सेशन है ना, थोड़ा सा एक फंडामेंटली चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ट्स पे लाइन वगैरह तो हम हमेशा ड्रॉ करते रहते हैं, लेकिन ये फैक्ट थोड़ा समझ जाइए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप ट्रेड करोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, ओके। अब गवर्नमेंट का जो रूल है उसके हिसाब से बैंक्स जो है उनको फिक्स्ड 19.5, उनकी जितनी एक डिपॉजिट है बैंक के पास उसमें से 19.5% जो भी अमाउंट होता है उसका गवर्नमेंट के बॉन्ड्स बाय करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लागू है, मैंडेटरी है, ओके। इसको हम कहते हैं SLR कहते हैं, बाय करना ज़रूरी है। बैंक्स जो है वो और ज़्यादा बाय करती है, मिनिमम 19.5% तो करना है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बाय करती है, ये सोच के करती है कि भाई ये जो ये थोड़ा सेफ है, हमें फिक्स्ड अमाउंट भी मिलता रहेगा और मैच्योरिटी के बाद पैसा भी वापस मिल जाएगा, सेफ रहेगा। तो जब स्टॉक मार्केट वगैरह जब लड़खड़ाते हैं, गोल्ड एसेट्स वगैरह नीचे आते हैं, तो बैंक्स जो होते हैं, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो सेफ जगह ढूंढते हैं और उसके बाद ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर आते हैं, उसको बाय करते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो है ये अब एक ब्रेकआउट लेवल पे आ रहा है। मैं US का बता रहा हूँ, चीज़ें मैं इंडिया की बता रहा था लेकिन फोकस हम अभी US के बॉन्ड पे कर रहे हैं, कि यहाँ पे जो है एक बॉटम मारा इसने, ठीक है, तब इंटरेस्ट कितना दे रहा था, 0.35 के आसपास इंटरेस्ट रेट आया था, प्राइस लड़खड़ाने लगी, ओके। अब इसमें वापस से तेजी आ रही है बॉन्ड के अंदर, ओके, मतलब इसको बाइंग कर रहे हैं। क्यों बाइंग कर रहे हैं भाई, ये मार्केट तो गिर रहा है, ये गिर रहा है, वो गिर रहा है, कहीं तो सेफ हो, कहीं तो एक सही पैसा मिलता रहे, तो इसकी बाइंग हो रही है, ओके। तो इन शॉर्ट में आप ये समझ जाओ कि जब भी आप किसी बॉन्ड का यील्ड चार्ट देखते हैं 10 साल का, प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो इंटरेस्ट रेट घट रहा है, प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, मतलब कि गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा या गवर्नमेंट को इतना कम पे करना पड़ेगा। तो जब कम एक लेवल पे आता है तो लोगों को लगता है कि भाई नहीं, ठीक ठाक है, पे कर सकते, इन्वेस्ट करो। तो अभी जो है इसका जो इम्पैक्ट है ग्लोबल मार्केट से बहुत हद तक पड़ता है, क्यों? क्योंकि जब ये बॉन्ड्स में सारा पैसा आने लगता है तो स्टॉक मार्केट लड़खड़ाने लगता है, गोल्ड लड़खड़ाने लगता है, ओके, क्योंकि वहाँ पे इतनी कोई श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ी तो गवर्नमेंट की श्योरिटी है, ठीक है। तो इसी वजह से ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो है यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ सकता है और आ भी रहा है, तेजी में आ रहा है, तो मार्केट के अंदर थोड़ा सा नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट हम देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हम वापस से BTC के ऊपर आते हैं और यहाँ पे जो चार्ट है 1 डे का चार्ट है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, और यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि ये जो प्राइस है, ओके, जो कैंडल है ये 21 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होता है या ऊपर क्लोज होता है, ओके। तो अभी भी 11 घंटे का वक्त बचा है, अगर कैंडल वापस से नीचे की तरफ क्लोज होता है तो थोड़ा सा जो प्राइस है वापस से गिरावट आ सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले बार भी जब कैंडल की क्लोजिंग जो थी, ओके, ओपन यहाँ से हुआ था, क्लोजिंग यहाँ हुई थी, तो उसके बाद से वापस से 2-3 रेड कैंडल बन गए थे, फिर एक ग्रीन कैंडल आया था, वापस से प्राइस ने ऊपर ट्राई किया लेकिन रिजेक्शन मिला, फिर ट्राई किया रिजेक्शन मिला, और एंड राइट नाउ 21 मूविंग एवरेज के नीचे इसकी प्राइस चल रही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली। और इसके बाद आप एक सपोर्ट की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से 44 के आसपास इसको एक सपोर्ट मिल सकता है, और उसके बाद आप 40,500 के आसपास उसको एक सपोर्ट देख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से 44-45 का जो लेवल है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सपोर्ट जो है हो सकता है यहाँ से आपको थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर ये टूटा तो 40 के आसपास जा सकता है, और बहुत कुछ निर्भर करता है ग्लोबल मार्केट के ऊपर। गोल्ड पूरा नीचे लड़खड़ा रहा है, क्रिप्टो उसके साथ चलता है, तो क्रिप्टो में भी फर्क पड़ सकता है, US स्टॉक्स ये सारी चीज़ें लड़खड़ाने लग रही हैं, ओके। अब आगे मैं बात करूँ उससे पहले ये कहूँगा कि BTC का जो डोमिनेंस है वो भी भैया अभी 57% के आसपास चल रहा है, ओके। तो मेरे हिसाब से जो डोमिनेंस है दैट शुड बी अबाउ
61 से 67 या 65 के बीच में होता है तो वो हेल्दी गिनाता है। ओके तो ठीक है, आने दो नीचे, हम खड़े हैं भाई बाय करने के लिए, अब मौका अच्छा मिलेगा हमको। ओके दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट। और रही बात ऑल्ट कॉइंस की, तो ऑल्ट कॉइंस के लिए मैं आप लोग को ये कहूँगा कि भाई थोड़ा सा आराम करो, ठीक है, थोड़ा सा ठंड रखो। ओके ऑल्ट कॉइन, ऑल्ट कॉइन क्या ज़रूरत है यार, हाई पे फंस जाओगे तो मौका मिलेगा आपको, अच्छा खासा मौका मिलेगा। ओके थोड़ा सा इंतज़ार करो। अब मेरी बात करोगे, मैंने कल नहीं ट्रेड किया, मैंने आज छोटा सा एक दो ट्रेड किया, रिस्की ट्रेड था शॉर्ट का, वो कर रहा हूँ अभी भी, मैं शॉर्ट का ही मेरी ओपनिंग है तो वो सारी मैं कर रहा हूँ, स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, ठीक है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा थोड़ा सा इंतज़ार करना, मौका अच्छा खासा मिलेगा। ओके एक दिन ट्रेड नहीं किया, दो दिन नहीं किया, तीन दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एटलीस्ट आपके हाथ पे पैसा तो है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आप यहाँ पे कि टेस्ला को पकड़ता हूँ मैं यहाँ पे और माइक्रो स्ट्रेटजी को मैं पकड़ता हूँ। देखिए आप पर हम बात करते हैं कि माइक्रो स्ट्रेटजी अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहा है इसके अंदर, बार बार बाय कर रहा है, क्यों बाय कर रहा है? एवरेज प्राइस इज नियर अबाउट 24,000 आई थिंक पर BTC आसपास होगी। एलन मस्क है, उसने भी लमसम कह सकते हैं कि टेस्ला के जो बैलेंस शीट है उसके अंदर 1.5 बिलियन डॉलर के आसपास की बिटकॉइन को रखा हुआ है। ओके दोनों में एक चीज़ आई डोंट नो आप लोग नोटिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, टेस्ला का जो स्टॉक है जब से उसने 1.5 बिलियन के आसपास क्रिप्टो में डाला है उसके स्टॉक में जो गिरावट हुई है 23 या 28% के आसपास हुई है, 28% के आसपास गिरावट हुई है। टेस्ला का चार्ट है यहाँ पे। ओके राइट नाउ प्री मार्केट ओपन होने से पहले 610 के आसपास चल रहा है और इसने जो हाई अपने बनाया था 863 के आसपास इसने एक हाई बनाया हुआ था। ओके बाकी स्टॉक्स की तरह इसमें प्राइस में बहुत गिरावट हो रही है और इसके अंदर भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, जिस तरह से हम क्रिप्टो की बात करते हैं उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, टेस्ला के अंदर भी लोगों ने बहुत इन्वेस्ट किया है। अब लोग इसमें भी ये भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं टेस्ला को, एलन मस्क को, ये कि भाई आपने टेस्ला के बैलेंस शीट का इतना फंड इसमें डाल दिया है, ये नीचे गिर रहा है, आप पहले कंपनी को संभालो, ठीक है। और यहाँ पे एक बात आती है, फॉर्मर गोल्डमैन सैक्स जो थे उसके जो एग्जीक्यूटिव हैं जिनका नाम है गैरी ब्लैक है, उन्होंने ये कहा है कि भाई टेस्ला की प्राइस नीचे आ रही है, आप BTC को बेचो और टेस्ला जो है उसके अंदर वापस से मोमेंटम ले जाओ, उन्होंने ये कहा है एलन मस्क को। ओके और ये फॉर्मर जो है CIO यानी कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं गोल्डमैन सैक के, तो इनका ये कहना है, अलग अलग बयान आ रहे हैं, इस पर एक आर्टिकल भी बन गया है कि ये इनको ऐसे कह रहे हैं कि भाई BTC को बेचो। अब जाहिर सी बात है, देखिए कोई कंपनी में गिरावट हो रही है तो उसको संभालने के लिए अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो क्या वो BTC बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं, आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। वो मैं तो नहीं जानता बट कंपनी के हालत सुधारने के लिए थोड़ा बहुत बेच भी सकते हैं, वी नेवर नो। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रो स्ट्रेटजी की बात करते हैं। माइक्रो स्ट्रेटजी आप और हमसे यही बात करते हैं कि भाई ये बाय कर रहा है, बाय कर रहा है, अच्छी बात है बाय कर रहा है, क्यों ना बाय करे, सबको कुछ ना कुछ बैकअप प्लान तो चाहिए। सबको पता था कि भाई इन्फ्लेशन आने वाला है, ग्लोबल मार्केट जो है गिरने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, तैयारी तो करनी पड़ती है, ठीक है। कोई यहाँ पे वो मसीहा आके नहीं बैठा है कि बाय कर लो बाय कर लो, ठीक है, सब अपना बनाने आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो माइक्रो स्ट्रेटजी की बात करूँ तो इसने भी जब से BTC में इन्वेस्टमेंट किया है, ओके बहुत सोच समझ के किया है, एकदम टाइम टू टाइम पे किया है, जब ग्लोबल मार्केट्स में गिरावट हो रही थी पैसा लिया सीधा BTC के अंदर डाला। और इसके स्टॉक की बात करते हैं, आपके सामने है माइक्रो स्ट्रेटजी का हाई जो गया था 1315 गया था और अभी जो लो है लमसम प्री मार्केट से पहले 615 के आसपास था, तो इसके अंदर 52% के आसपास की गिरावट है स्टॉक के अंदर। ओके तो ऑफकोर्स BTC कम रेट पे हैं, उसमें प्राइस डबल हो चुका है, तो कहीं ना कहीं वो यूज़ करेंगे उस फंड को, उस ग्रोथ को, कि गिरते मार्केट के अंदर भी अगर स्टॉक प्राइस आधा हो जाता है, 50% गिर जाता है, यानी कि कंपनी की जो वैल्यूएशन होती है घट के आधी हो जाती है, लेकिन पैसा और हाथ में है हमारे पास BTC का। ओके सो वी नेवर नो, छोटा छोटा ये बेच भी सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। तो ये भी बात ध्यान में रखो आप कि अब ये सब जो आर्टिकल्स आने चालू हो गए हैं कि ये बेच सकता है या ये बेच देगा ऐसा, तो कहीं से भी अगर छोटी मोटी स्टेटमेंट भी निकल जाए टेस्ला या माइक्रोसॉफ्ट की, हाँ यस वी आर थिंकिंग टू सेल सम पार्ट ऑफ BTC टू गेन टू हैव सम गेन इन दिस माइक्रो स्ट्रेटजी या टेस्ला को सुधारने के लिए,
नीचे हो सकता है प्राइस, ये बता रहा हूँ मैं। देखो जो चीज़ें हकीकत हैं वही मैं बता रहा हूँ कि ऐसा सब मुमकिन हो सकता है। ये मार्केट है, मार्केट में हर कोई कमाने के लिए बैठा है, हर कोई अपने आप को बचाने के लिए बैठा है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा फोकस करो। BTC वापस से क्या, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं जो सही है वो सही कहूँगा, जो गलत लग रहा है वो गलत कहूँगा। इसका मतलब ये नहीं है कि BTC खराब है, वो है, ऐसा नहीं है। हम बाय करेंगे BTC को, आने दो अच्छे से नीचे वाले प्राइस पे, तो मज़ा आएगा फिर। ओके, उसके साथ ही टेस्ला की मैं बात करता हूँ, तो बिल गेट्स की हम बात करते हैं। बिल गेट्स ने भी बहुत कुछ छोटा मोटा कहा है इनको, कि उन्होंने टेस्ला को और एलन मस्क को थोड़ा सा वो टारगेट किया था कि भाई BTC की जो प्राइस है इतनी ज़्यादा ऊपर आ गई है, और इसके पीछे एलन मस्क के जो प्रो क्रिप्टो ट्वीट्स होते हैं वो है, इन्होंने इसको पंप किया है। तो उन्होंने क्लियर कट ये भी कहा है कि भाई अगर आपके पास एलन मस्क जितना पैसा है तो आप इन्वेस्ट करो, अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा इस मार्केट में चौंकाना हो जाओ, वार्निंग करके उन्होंने इसके अंदर कहा है। ओके, उसके साथ ही जो फेडरल रिजर्व के जो ऑफिशियल हैं, ओके, उसके जो प्रेसिडेंट है जिसका नाम है एरिक रॉसन ग्रेन, ओके, उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि BTC का प्राइस जो है 60,000 के आसपास जाएगा, और 60,000 से जब 50,000 पे आया तो वो भी काफ़ी सरप्राइज हो गए। और उन्होंने क्लियर कट एक चीज़ ये कही है, ओके, देखिए ये सब जो बातें हैं ना थोड़ा सा मार्केट को हिला सकते हैं, ओके। और मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ सब, ठीक है, कि मार्च महीना जो है थोड़ा सा हिलने वाला है, गर्मी का इसमें एहसास हो सकता है, ठीक है। तो ये जो गर्मी है ना ये अपॉर्चुनिटी है, इसका फ़ायदा उठाना, डरना मत, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, प्राइस नीचे आ गया, भाई हम तो छोड़ दोगे, हमें तो कुछ नहीं करना है। नहीं उठाओगे, मार्च ऐसा महीना है जो मौका दे रहा है, नहीं फ़ायदा उठाओगे तो फिर कुछ काम का नहीं है आपके लिए, क्रिप्टो ट्रेन निकल जाएगी, फ्लाइट वगैरह सब कुछ निकल जाएगी, ओके। तो लेट द पैनिक कम इन द मार्केट, उसके बाद माल उठाओ, इंतज़ार करो, ऑल्ट्स का भी इंतज़ार करो, बहुत सब ऊपर ऊपर है, सब नीचे आएंगे मेरे हिसाब से, फिर अच्छा सा उसमें इन्वेस्ट करेंगे, ओके। तो फेडरल तो ये जो प्रेसिडेंट हैं ये कहते हैं कि भाई दुनिया भर की जो कंट्रीज हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, सब अपनी अपनी डिजिटल करेंसी लेके आ रही है। चाइना ने भी लेके आया है, उसका जो युआन है डिजिटल करेंसी, वो उसके ऑलरेडी ट्रायल स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये कहते हैं कि भाई जब सब कंट्रीज अपनी अपनी डिजिटल करेंसी ला रही है, लोग उसका यूज़ करेंगे, तो BTC जो एक अंडरग्राउंड डिजिटल करेंसी है उसको कौन पूछेगा, ठीक है। तो ये सब बातें भी आ रही हैं, थोड़ा सा सोचना, हाथ में USD रखो कि मामला जब डगमगाए, पैनिक आए, तब कमाओ, यही होता है, ओके। जब मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रीडी होता है ना तब सेल करने का वक्त होता है, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक होता है, जब सब बेच रहे हैं डर के मारे भाग रहे हैं, तब आप और हमको क्या करना है, थैला लेके खड़े रहना है, भैया इसमें डालते रहो, फेंको मत, इसमें डालो, ये करना है। इसलिए कह रहा हूँ हाथ में USD रखो, ओके। मैं अभी भी अच्छा खासा एक USD में हूँ, मैं ना ही अभी BTC को होल्ड कर रहा हूँ ना ही इथेरियम को, हाँ मैं स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट कमा रहा हूँ उसके अंदर, लेकिन होल्ड नहीं कर रहा हूँ। होल्ड करने के लिए मैं चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा सस्ते भाव में मिले चीज़ें, तो ही फायदा है उसका, ओके। इसके ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी 40 मिनट का हो गया, इसमें से थोड़ी सी कटिंग वटिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा, ओके। लोग कार्डानों की बात करते हैं, वो $25 $30 जा सकता है, नहीं जा सकता है, हकीकत क्या है, ओके। अगर उसको वहाँ जाना है तो BTC का कितना मार्केट कैप होना चाहिए, 25-30 भी जाना चाहिए, तो BTC का मार्केट कैप 10 ट्रिलियन के ऊपर होना चाहिए। तो क्या BTC जा सकता है उतना जल्दी 10 ट्रिलियन का, टाइम लगेगा ना। इथेरियम 50,000 50,000 कहते हैं, ठीक है, हम 50,000 नहीं कहते, हम कहते हैं कि भाई 2,400 3,000 5,000 के आसपास मैक्सिमम मार सकता है, क्यों, क्योंकि मार्केट कैप भी तो है भाई। इसके ऊपर बहुत अच्छी चर्चा हम कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, मैंने पूरी कैलकुलेशन निकाल के रखी है इसके अंदर, ओके, ये सारी कैलकुलेशन निकाली है, आपको किसी और वक्त में पूरा चीज़ एक्सप्लेन करूंगा क्या है मार्केट कैप के बारे में, और कितना प्राइस फैक्टर जो है उस पर मैटर करता है, ओके, और क्या $300 की प्राइस वाला
ऑल्ट कॉइन बेहतर होगा या 10 सेंट वाला या 1 डॉलर वाला, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस सेशन के अंदर मुझे सिर्फ यही सारी चीज़ें बतानी थी, ग्लोबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, क्या क्या मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, आपको किस हिसाब से तैयार रहना है मेंटली इस मार्केट के लिए, कि अगर कुछ नीचे आता है तब आपको कौन सा पोजिशन खड़ी करनी है, क्या बाय करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो इसके बाद और भी कुछ अपडेट्स आएंगे वो आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगा। राइट नाउ जो मार्केट है मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेरिश मोड के अंदर है, और मैं बाय करने का सोचूंगा अराउंड 44 के आसपास, और 44 को अगर तोड़ता है तो नेक्स्ट पोजिशन में 42 के आसपास इंतज़ार करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट लास्ट टाइम जो था हम 42 का इंतज़ार कर रहे थे, 43 के आसपास आया था, ठीक है। तो मैं 45 से थोड़े थोड़े टुकड़ों में बाय करने का कोशिश करूंगा, एंड दैट टू फॉर स्कैल्पिंग के लिए, ओके। तो ये था एक छोटी सी अपडेट ऑन क्रिप्टो मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना। और वीडियो पसंद आई, एनालिसिस पसंद आई, बातें पसंद आई, या जो चीज़ें मैंने समझाई हैं कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ आप इस पर फोकस करना चाहिए, और नेक्स्ट टाइम जो मार्केट को देखेंगे तो इसको भी हम कंपेयर करेंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक देना, कम से कम 4,000 का लाइक जो है ये इसका टारगेट है, 4,000 का लाइक कंप्लीट कर दो। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आप लोग से मिस ना हो। टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा ऐसा बाय बाय करने का मैं आपको मैसेज कर दूंगा। और ट्विटर पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, जल्द मिलेंगे, तब तक ले टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।